हीरा जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, आपने अभी नहीं सोचा होगा, आपने कई जगह दिखाया दुनिया में, लेकिन आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है आपको नहीं बताया गया। अलग अलग जांचें हुई लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मेरे को क्या दिख, इतना कम क्यों दिख रहा है या यहाँ नहीं दिखता यहाँ दिखता है, ये कोई ने नहीं बताया होगा आपको आज तक कि आपको ये दिखाई पड़ता। ये सामने है आपका पेरिफेरल विजन, आप देख रहे हैं कि आप जो कहते हैं मेरे को ऊपर की तरफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। ठीक, तो ये पॉइंट जो है आपको, ये एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सेंटर में ये 11 इंची तक, यहाँ तक आपको ऊपर से लेकर नहीं दिखता है। बीच में थोड़ा सा पॉइंट आपको दिखता है, एक इंच, एक पॉइंट एक इंच इधर धुंधला दिख रहा है, अपर साइड आपको धुंधला दिखता है, सेंटर पॉइंट में आपको मात्र 1.1 इंच राइट साइड दिखता है, लोअर साइड पे 1 इंच, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको 1 इंच मात्र दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सेंटर जब आप देखते हैं तो आपको एक पाइप सरी की लाइन है इस तरह से, ये 1 इंच के छेद में से आप देखते हैं वैसा दिखाई पड़ता है लेफ्ट आंख, राइट आंख से वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा। सेंटर में थोड़ी रोशनी है, हम प्रयास करेंगे कि आपको सेंटर में जो नीचे का गोला दिख रहा है, का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है एक आंख का हीरा आपका जा चुका है, इससे नहीं के बराबर आप टेढ़ा मेढ़ा करने के दिखाई पड़ता है, और दूसरी आंख जाने की तैयारी कर रही है। आपको यहाँ किसने भेजा? मेरा भाई यहाँ पे इलाज करा के। कहाँ रहता है वो? मेरा भाई दुबई में रहता है। दुबई से आपके भाई ने फोन किया कि बहन वहाँ जाके इलाज करवाओ, हो सकता है तुम्हारी रोशनी बढ़ जाए। हो सकता है क्या है, जिस तरह उनकी रोशनी बढ़ी, बढ़ी उनकी रोशनी है ना, उनको भी पढ़ने में दिक्कत होती थी लेकिन वो बाद में धीरे धीरे पढ़ने लगे। तो विश्व में कई जगह उनने दिखाया दुबई के अलावा, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ था, यहाँ आके फायदा हुआ और आज वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। हम प्रयास करेंगे जिस तरह आपके भाई को फायदा आया उसी तरह आपको भी फायदा आए, और विश्वास रखिए मुझ पे, आप एक नॉर्मल लाइफ जी। यस हीना जी, हीना जी आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है और आपकी बीमारी जो थी मैक्युलर डिजेनरेशन, मैक्युलर डिजेनरेशन की स्थिति ये थी आपकी सेंट्रल पार्ट आपका टोटली ब्लाइंड हो गया था, इस तरह से जो रेड लाइट में आपका ये बना हुआ है, और सेंटर में सिर्फ 1 इंच का गोले में से पाइप में से आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखा करता था जी। बाकी का पूरा ब्लैंक था, कुछ नहीं दिखता था ऊपर के पार्ट। आज पहले कोर्स के बाद ये स्थिति हुई है, ये जो आपका 1 इंच का गोला था 2.2 इंच हो गया है, आपके राइट हैंड साइड पे 1.1 इंच ये, और ये बढ़ के हो गया है 4.3 इंच। ये गोला अब आपका इतना बड़ा हो गया है जिसमें से आप देख पा रही है ऊपर की तरफ आपको मात्र 1 इंच दिखता था, ये बढ़ के हो गया 2.6 इंच। हर जगह हर डायरेक्शन में डबल आपका विजन हो गया है। इसी तरह आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इंच था, ये भी 2 इंच हो गया। तो सेंटर पार्ट में आपको जो दिखा करता था 1 इंच के पाइप से, वो आप लगभग 2.2 इंच हो गया। यानी मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जो दिखाई पड़ता था आपको मात्र 1 इंच के पाइप में से दिखा करता था, जिस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह से दिखा करता था, और इससे ज़्यादा कोई दिखा नहीं करता था, और ये भी धुंधला दिखता था, है ना। आपको फोकस करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ती थी। 1 फीट तक आपको ये पाइप से दिखता भी था तो 1 फीट से ज़्यादा थोड़ा धुंधला ही दिखता होगा, बाकी दिखाई नहीं पड़ता था जी। आज स्थिति ये हुई है कि आपको जो पॉइंट है, ये जो सेंट्रल विजन है जी, ये सेंट्रल विजन आपका बढ़ के लगभग 2.2 इंच का हो गया। आप कह सकते हैं आज आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये पाइप, इससे थोड़ा ज्यादा बड़े पाइप से आपको दिखाई पड़ रहा है। आज आपकी नजर जो हुई है वो 2.25 इंच के आसपास आपकी नजर, ये सेंट्रल विजन पूरा सर्कल जो है 2.25 इंच का हो गया है, जिससे आपको देखने में काफी सुविधा होगी, क्योंकि आज आपकी नजर जो है चश्मे से 4 मीटर एग्जैक्ट पहुंची है। आपने आज पहला अक्षर पढ़ा है एल, एल पढ़ा, इसके कारण मैं कह सकता हूं कि आपकी नजर जो हुई है 2.25 इंच के पाइप से 4 मीटर हो गई है, उसके बाद धुंधली है जी। तो
ये जो सेंट्रल विजन बड़ा है, क्यों बड़ा? क्योंकि आपका मैक्यूलर डिजनरेशन खत्म हुआ, मैक्यूलर डिजनरेशन खत्म हुआ, आपका पर्दा जो खत्म हो गया था वो पुनः डेवलप हुआ, तो आपको ये दिखना शुरू हुआ है जो कि पहले लगभग एक इंच था चारों तरफ जी। बहुत सारी बधाई हो, सेंट्रल विजन आपका इम्प्रूव हुआ।